सबसे पहले नाम के साथ इंट्रोड्यूस कर दीजिए हमारी ऑडियंस को कि क्या कुछ करने वाले हैं आप। एक्चुअली दिस इज़ रॉक्सी स्टूडियो, तो एक कोलकाता का ब्रांड था, बहुत पुराना ब्रांड था, 7 साल पुराना। तो अभी हम लोग चालू कर रहे हैं मुंबई में। तो मुंबई में इसका मकसद क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो पोर्टफोलियो बनाने का पैसा नहीं होता है, क्योंकि मेन चीज़ होता है इंडस्ट्री में आने के लिए पोर्टफोलियो। तो वो पोर्टफोलियो हम लोग ज़ीरो डाउन पेमेंट में ऑफ़र कर रहे हैं। मतलब आप किसी के पास डेबिट कार्ड भी होगा उसका ईएमआई बन जाएगा। 7 बैंक के साथ मेरा मोर देन 40 बैंक के साथ हम लोगों का टाई अप है ऑलरेडी। तो किसी का अगर पोर्टफोलियो चाहिए, ज़ीरो डाउन पेमेंट उनका पोर्टफोलियो बन जाएगा। उसके साथ बहुत सारा इंडस्ट्री में एक मॉडल को फास्ट स्टेप हम लोग कहते हैं कि दिस इज़ द फास्ट स्टेप टू बॉलीवुड। तो क्या होता है कि कोई मॉडल अगर रॉक्सी के साथ जुड़ जाता है, तो इसके अंडर में रॉक्सी का मॉडल, रॉक्सी मॉडल्स बोल के एक कैटेगरी है। तो वो डायरेक्टली रॉक्सी मॉडल के साथ टाई अप होने के बाद उनको ब्रांड प्रमोशन के साथ उसका जो भी डिजिटल मार्केटिंग है, तो रॉक्सी डिजिटल बोल के एक और कंपनी है तो मेरा, तो वो इसके साथ टाई अप होके, तो उनका इंस्टाग्राम का आज के तारीख में प्रमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ में। तो एक मॉडल को शुरू से लेकर लास्ट तक जहाँ से जो जो सपोर्ट चाहिए रॉक्सी ग्रुप से वो सब मिलेगा। और ये आइडिया किसने दिया आपको कि कोलकाता से मुंबई आना चाहिए? और क्या बिज़नेस तो ग्रो करना ज़रूरी है कोलकाता, बॉलीवुड अगर टारगेट है, बॉलीवुड अगर टारगेट है स्टार्टिंग, तो यहाँ से ही करना ज़रूरी था। हाँ, शायद हमने लेट कर दिया, बहुत जल्दी आना चाहिए था, मगर 7 साल थोड़ा लेट हो गया है, मगर लेट आए, मगर आएंगे ज़रूर। वैसे बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स हैं, हाँ, जैसे डब्बू रत्नानी की, हाँ, बात करें, ऐसे बहुत सारे, हाँ, बड़े बड़े जो पोर्टफोलियो बनाते, हाँ, हैं एक्टर्स का, और तो उनमें और आप में क्या डिफरेंसेस है और क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? और देखिए, दे आर अ इंडस्ट्री लीडर, मगर बहुत सारा सेलिब्रिटी फोटोग्राफर है जिनको अफोर्ड कर नहीं सकता कोई न्यू कमर, मगर हम लोग वही क्वालिटी ऑफर करेंगे और उसका 10 गुना कम प्राइस में, 10 गुना कम प्राइस, वो भी ज़ीरो डाउन पेमेंट में, क्योंकि ब्रांड है, किसी के पास पैसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाइए, पोर्टफोलियो बन जाएगा आपका। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, हाँ, लेकिन वो मतलब झूठ बोल के बनाते हैं कि आपको ये पोर्टफोलियो बनाने से बॉलीवुड में काम मिल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको काम मिलेगा, काम पोर्टफोलियो से नहीं मिलता है, आपका टैलेंट से मिलता है, मगर पोर्टफोलियो एक देना ज़रूरी है, क्योंकि आपका लुक, डिफरेंस टाइप ऑफ लुक आपके एक प्रोडक्शन हाउस के पास या कोई मॉडलिंग एजेंसी के पास इजीली जा सकता है, जिसके बाद आपको एग्जैक्टली काम मिलेगा। तो जैसे आपने कहा कि आप बहुत सारा प्रमोशन करेंगे उनका, हाँ, इंस्टाग्राम पे प्रमोट करेंगे, हाँ, तो क्या काम के लिए भी पुश करेंगे आप? काम के लिए भी हम लोग डिफरेंट प्रोडक्शन में भेजेंगे, बाकी उनका लक है। हम लोग कभी भी कमिट नहीं कर रहे कि हमसे पोर्टफोलियो बनाइए आपको काम मिल जाएगा, मगर हाँ, आप बाकी और जगह से पोर्टफोलियो बनाने के बाद जो फेक कमिट होता है वो नहीं होगा यहाँ से, और आप थोड़ा सा उन लोगों से थोड़ा सा आगे रहेंगे। जी जी। और कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें कि भाई इन्होंने हमारे यहाँ से पोर्टफोलियो बनाया? देखिए, नाम नहीं लेना चाहिए, नाम एग्जैक्टली नहीं लेना चाहिए, मगर हाँ, हम लोग मुंबई में न्यू हैं, मगर कोलकाता में वी आर अ ब्रांड। आज के तारीख में बहुत सारा कोलकाता का ऐसा मॉडल होगा, अभी लैक्मी फैशन वीक के साथ भी बहुत सारा मॉडल जुड़ा हुआ है जो हम लोगों से, हम लोगों के ब्रांड से पोर्टफोलियो बनाया था या जुड़ा हुआ था, अभी भी जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो धीरे धीरे करके आप लोगों को बड़ा, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जब हम लोगों का सारा ब्रांड लेकर आप लोगों के साथ एक बार बैठेंगे, बैठ के डिस्कस कर लेंगे। ओके, और क्या प्रमोशन होने वाला है? जैसे आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले, और रॉक्सी के प्रमोशन के लिए आप लोग क्या कुछ करने वाले? वो थोड़ा आपको बाद में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एग्जैक्टली, हम लोग बस रॉक्सी स्टूडियो नहीं ला रहे हैं, इसके साथ आपको मॉडल बनने के लिए जो जो चीज़ चाहिए, या कोई एक्ट्रेस बनने के लिए आपको जो जो चीज़ चाहिए, रॉक्सी हर चीज़ का सपोर्ट आपको देगा। वो आपका क्लॉथिंग हो जाए, जिम हो गया, बहुत सारा ऐसा, बहुत सारा चीज़ है जो आएगा इन फ्यूचर में, जैसे आएगा आप लोगों को सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। राइट, तो मुंबई आने के लिए किसी ने सपोर्ट किया था, कोई कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हुआ, या फिर नहीं? रॉक्सी पूरा इंडिपेंडेंट जो है अपना बिजनेस करने वाला है मुंबई में? रॉक्सी पूरा इंडिपेंडेंट है आज के तारीख में, रॉक्सी पूरा इंडिपेंडेंट है, रॉक्सी किसी के साथ ना कभी कोलैब किया है, ना इन फ्यूचर में करेगा। हाँ, फ्यूचर का बात अभी से नहीं बोल सकते, मगर हाँ, बहुत सारा चीज़ आएगा, जब जैसे जैसे आता रहेगा आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। अभी तो फिलहाल के लिए मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ कि अभी रॉक्सी किसी के साथ कोलैब में नहीं है, दिस इज़ अ
टोटली इंडिपेंडेंट ब्रांड। सुनने में आया कि आप डांस के लिए भी कुछ यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। हाँ, डांस का जो है अभी यहाँ पे डांस क्लासेस भी चालू हो गया है। डांस क्लासेस में सरोज खान का जो असिस्टेंट था राज खान से भी आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हो डांस का, पूरा प्रॉपर डांस का आप ट्रेनिंग वगैरह पूरा इसे ले सकते हो। ऐसा क्या होगा डांस में, ऐसा क्या खास? देखिए, डांस का बहुत सारा फॉर्मेट है, डांस का बहुत ज़्यादा फॉर्मेट है, बहुत कुछ है, मगर मेन जो है कि आप लोगों को क्या मिलेगा कि बॉलीवुड स्टाइल में, बॉलीवुड में क्या चीज़ का ज़रूरत है उसके हिसाब से आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, मैम भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमें। मैम थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप लोग जुड़े हुए हैं, क्या कुछ नया होने वाला है ऑडियंस के लिए, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि कोलकाता में बहुत ही बड़ा ब्रांड था रॉक्सी। हाँ। और अब मुंबई में क्या कुछ होने वाला है, जो भी अपकमिंग मॉडल्स आप लोगों को देख रहे हैं और जो ऑडियंस आप लोगों को देख रही है, क्या कुछ नया होने वाला है? रॉक्सी बहुत पुराना ब्रांड है, ये कम से कम 8 साल पुराना ब्रांड है, 7-8 साल हो गया, बट दैट वॉज इन कोलकाता, बट नाउ वी आर ओपनिंग इन मुंबई। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वो जो ब्रांड था वो अभी भी वही ब्रांड है, बट सिर्फ जगह थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, कोलकाता से अभी मुंबई आ गया है। कोलकाता में इट वॉज इन टॉलीवुड और अभी मुंबई में अब वी आर गोइंग टू वर्क इन बॉलीवुड। कोई भी कंपनी के लिए टीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यस ऑफ कोर्स। आप लोगों की टीम के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप लोग काम करने वाले हैं, क्योंकि एक अकेला आदमी तो पूरा बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता है। रिलायंस की अगर बात करें उनकी भी बहुत बड़ी टीम है, तो आप लोगों की टीम के बारे में बताइए कि कैसी टीम है, क्या कुछ आप लोग करते हैं साथ में। okay. कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है किसी भी चीज़ के लिए? यहाँ पे जो भी टीम है हम लोग सब एज ए फैमिली, वी आर वर्किंग एज ए फैमिली। तो यहाँ पे टीम में है हमारे फोटोग्राफर एंड ही इज़ आर MD एंड आई एम ऑल्सो MD, वन ऑफ MD एंड या एंड आई विल बी लाइक, मैंने भी यहीं से मॉडलिंग किया है रॉक्सी से पहले से ही, तो फिर से वापस मैं आई हूँ रॉक्सी में ही अगेन, सो इट्स माय लक दैट व्हेन आई कम टू मुंबई रॉक्सी यहाँ पे नहीं था, बट नाउ इट इज़ देयर, सो दे हैव कॉल्ड मी, फिर मैं आके यहाँ पे ज्वाइन करी। एंड हमारे टीम में फोटोग्राफर हैं एंड वी हैव डांस कोरियोग्राफर। डांस कोरियोग्राफर का डांस का सेक्शन इसलिए हम लोगों ने ओपन किया, एज अ मॉडल एज अ एक्ट्रेस मुझे लगता है कि हर एक एक्टर को, चाहे वो कॉमेडी एक्टर हो, चाहे वो विलन हो, चाहे जो भी हो, सबके अंदर म्यूज़िक का रिदम होना चाहिए, डांस होना चाहिए। अगर किसी को डांस समझ में नहीं आता तो वो कभी भी एक्टिंग नहीं कर सकता। तो एज़ माई एक्सपीरियंस डांस होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डांस में क्या होता है, वहाँ पे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके बॉडी में एक रिदम आएगा, म्यूज़िक आएगा, और जब एक्टिंग करते हैं हम, एक्टिंग के सारे लाइंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं, इट इज़ लाइक अ वर्ड, लाइक जैसे गाने में होते हैं, तो अगर अंदर म्यूज़िक ना हो वो एक्टिंग कभी बाहर नहीं आ सकता। इवन फॉर मॉडलिंग, जब हम मॉडलिंग शूट करते हैं, वी नीड म्यूज़िक बैकग्राउंड में, म्यूज़िक चाहिए होता है, बिकॉज विदाउट म्यूज़िक वी कैंट पोज ऑल्सो, लाइक पोज नहीं ले सकते, एक्सप्रेशंस नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो म्यूज़िक को हम रिलेट कर रहे हैं। इसलिए डांस सीखना हर एक एक्टर के लिए, हर मॉडल के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम डांस रख रहे हैं। कुछ आप अपने पास्ट के बारे में बताएं कि आप कैसे, किस फील्ड से हैं, आपने पहले क्या किया है एज अ मॉडल, एज अ एक्ट्रेस, और क्या आगे की आपकी रणनीति है, फिर रॉक्सी में आने का मुख्य वजह क्या रहा? ओके, बेसिकली बाई डिग्री आई एम अ डॉक्टर, बट मुझे मॉडलिंग करने का शौक़ था। मैं कोलकाता में बहुत सारे मॉडलिंग कर चुकी हूँ, लाइक कॉस्ट्यूम्स के, शूज़ के, बैग्स के। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे मुंबई आना चाहिए, बिकॉज कोलकाता इज़ वेरी स्मॉल जोन। तो फिर कोलकाता में मैंने रॉक्सी के साथ भी काम किया था, बट बहुत कम किया था। फिर उसके बाद जब मैं मुंबई आ गई, मुंबई में आई एम जस्ट मॉडलिंग इन कॉस्ट्यूम्स, सेम चीज़ है, बट यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे सब कुछ अलग है। तो यहाँ पे आके मैं मॉडलिंग कर रही थी 4-5 साल से, एक्टिंग भी मैंने किया है, सेक्रेट गेम्स 2 में किया है काम। उसके बाद फिर सडनली आई हैव गॉट अ कॉल फ्रॉम रॉक्सी दैट आई हैव टू वर्क विद देम, एंड आई वॉज सुपर एक्साइटेड एंड आई वॉज सुपर फन इट वॉज। तो फिर मैंने बोला येस ऑफ कोर्स आई एम रेडी, बस मैं आ गई यहाँ पे। आप बताइए मैम के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैम के साथ के बारे में थोड़ा बताइए आप। देखिए मैम के सर, मैम मेरा एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, मैम बहुत पुराना दोस्त है मेरा। तो रॉक्सी का शुरू के टाइम से, मतलब जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम से मैम जुड़ा हुआ है। तो जब मुंबई का सोचा तो सबसे पहले एक ही चीज़ आया, लेट्स कॉल शर्मिष्ठा। जब शर्मिष्ठा को कॉल किया, सी इज़ अवेलेबल,
तो फिर प्लान बनाया, विद इन अ मंथ हम लोग सब पेपर वर्क हर चीज़ कंप्लीट किया। करने के बाद वी जस्ट से लेट्स गो एंड लेट्स हिट द फ्लोर। जैसे मैंने इनको पूछा था कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो डांस स्टूडियो भी है और पोर्टफोलियो भी बनाते हैं, तो उनसे किस तरह का कंपटीशन होगा, उसके लिए क्या प्लानिंग है आप लोगों की, क्या प्लान्स हैं? ओके, इसमें सबसे पहला डिफरेंस, जब कोई मॉडल आती है अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, द फर्स्ट थिंग इज हर जगह पे लाइक स्टूडियो कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका पोर्टफोलियो कैसा बनेगा। उस पर नहीं डिपेंड करता कि वो मॉडल कैसे दिखती है, उस पर क्या मैच करेगा, इस पर क्या पोर्टफोलियो होना चाहिए, वो लोग नहीं सोचते हैं, वो अपने हिसाब से पोर्टफोलियो बना के दे देते हैं। लाइक मॉडल जैसे भी है उसको कुछ भी पहना दिया, कभी जिस मॉडल पे बिकनी अच्छा ना लगे, बिकनी इज़ अ क्यूट ड्रेस, इट्स अ नाइस ड्रेस, आई लव इट, आई ऑल्सो लव इट, बट द थिंग इज़ कि मॉडल पर अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन उसको बिकनी पहनाना ज़रूरी लगता है, पहना दिया, बना दिया पोर्टफोलियो। उसके बाद मॉडल बहुत ही पतली है, ओके बहुत, सोच लो जैसी भी है, उस पर कोई ऐसा हैवी ड्रेस पहना दिया मॉडल दिख ही नहीं रही है, ओनली ड्रेस दिख रहा है, पोर्टफोलियो बना के छोड़ दिया, वो देखते नहीं है कि क्या अच्छा लगेगा। बट नाउ इन रॉक्सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अकॉर्डिंग टू मॉडल पोर्टफोलियो बनेगा, मॉडल जैसी रहेगी उसका पोर्टफोलियो वैसा बनेगा, ताकि वो पोर्टफोलियो जाके बाहर रिजेक्ट ना हो, कोई रिजेक्ट ना कर सके। एंड वी आस्क प्रिफरेंसेज ऑल्सो, लाइक मॉडल को हम पूछते हैं कि आपको कैसा पोर्टफोलियो चाहिए, फिर वो बताते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा, फिर हम देख रहे हैं कि अरे ये लुक तो इस पर नहीं जाएगा, देन वी सजेस्ट समथिंग एल्स कि आपका ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, यू जस्ट डू दिस वन, वी सजेस्ट देम कि क्या होना चाहिए पोर्टफोलियो, कुछ भी पहना दो, कुछ भी करके जस्ट ऐसे पोज दे दिया, इज़ नॉट मॉडलिंग, इज़ नॉट दैट, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा पोर्टफोलियो बाहर के लोगों से बहुत अलग है, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू मॉडल पोर्टफोलियो बनाते हैं, नॉट लाइक कि हम जैसा चाहे वैसा बना दें, नो नॉट लाइक दैट। और कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आपको देख रहे व्यूअर्स? जस्ट मैं इतना बोलूँगी सबसे कि मैंने इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत जगह पे भटका है, मैं नहीं चाहती कि और कोई लड़का या लड़की जो इंडस्ट्री में आए वो बाहर जाके भटके, वो ऐसे जगह पे आए, मैं रॉक्सी का नाम नहीं बताऊंगी कि रॉक्सी में ही आना है, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक ऐसे जगह पे जाए जहाँ जाके उसको असल में जो होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या पोर्टफोलियो, कैसे आगे बढ़ना है, इसकी सजेशन जो दे वहीं पे उसको जाना है, मेरे जैसा भटकना नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक ही चीज़ है जो मैं बहुत सारा चीज़ सुना हूँ इसके बारे में, 7 साल हो गया मेरा फैशन इंडस्ट्री में, तो 7 साल में बहुत कुछ देखा हूँ। यहाँ पे बाहर से चोरी करके भी कोई फैमिली का ज़मीन बेच के भी पैसा लेके आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं फ्रॉड होता है कि पैसा दे दो हीरो बना दूंगा, ये कर दूंगा, ये सब कुछ नहीं होता है। एक ही चीज़ बताऊँगा, ये सब कुछ नहीं होता है, आपको सही गाइडेंस चाहिए और आपके टैलेंट के हिसाब से आपको काम मिलेगा, आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से भी नहीं मिलेगा, कोई आपको हीरोइन बना देगा बोलेगा, हीरो बना देगा बोलेगा, इससे कुछ नहीं होता है। आपको आप में अगर टैलेंट है तभी आपको काम मिलेगा, नहीं तो काम नहीं मिलेगा। आप रॉक्सी पे नहीं, अब कहीं पे भी जाओ, आप पहले उसको समझो क्या वो कहना चाहता है, क्या गाइडेंस आपको देना चाहता है, उसके बाद आप पैसे खर्च करो। Exactly. उससे पहले पैसे खर्च मत करो। Right. तो ये है हमारा मोटो कि हम किसी को ना भटकाएंगे नहीं, जैसे लोग करते इंडस्ट्री में, तुम आओ 1 लाख लेके मैं तुमको हीरोइन बना दूंगा, तुम आओ इतना पैसा लेके मैं तुमको, चोरी करके आते हैं, घर से भाग के आते हैं, हम वो नहीं चाहते, हम चाहते कि सब घर से बोल के आए, अच्छे से आए, आराम से रहे, काम करे, ऐसे रहे, और फिर आके इधर उधर ना भटके, कहीं ऐसे जगह पे जाए जहाँ पे जाके उसको सारे रास्ते उधर ही से खुल जाएंगे कि हाँ मुझे अभी आगे क्या करना है, इसके बाद ये स्टेप होता है, इसके बाद ये स्टेप होता है, वो स्टेप हम बताएंगे कि कैसा है। एक छोटा सा चीज़ बताऊंगा, थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा, डॉक्टर बनने के लिए जैसे पढ़ाई करना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, मॉडल या एक्टर बनने के लिए भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ता है, वो वाला ट्रेनिंग आपको रॉक्सी से मिलेगा, बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू।